असलम आई एम क्लिनिकल डाइटिशन आशा हासिल एन केयर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेजन के बारे में हमारी स्किन में कि क्या रोल प्ले करता है और जो लोग कॉलेजन अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर पे बैठे क्या इसका आल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं जनाब कॉलेजन है क्या सबसे पहले वो देख लेते हैं ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा मकदार में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है जो कि कनेक्टिव टिशूज़ में uh, के साथ होता है कनेक्टिव टिशूज़ uh, के अंदर मौजूद होता है हमारे लिगमेंट्स को हमारे टेंडेंट्स को हमारे मसल्स को और इवन हमारी स्किन को भी हेल्प करता है उनमें भी एक इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है अब स्किन की अगर हम बात करें तो कॉलेजन उसको इलास्टिसिटी देता है अब इलास्टिसिटी क्या है ये जो मुरझाना शुरू कर जाती है ना आपकी स्किन ट्वेंटी फाइव की एज के बाद तो कॉलेजन उसको इलास्टिसिटी देता है उसको मुरझाने से रोकता है एजिंग है और उसके साथ साथ उसकी हाइड्रेशन करता है हाइड्रेशन से मुराद ये है डिहाइड्रेशन का तो हमें पता है पानी की कमी हो जाना और अगर पानी की कमी होती है वो सबसे पहले आपकी स्किन पर नज़र आना शुरू होती है आपकी सबसे पहले आपकी स्किन पर रिंकल्स और स्पेशली आपके आंखों के इर्द गिर्द जो है जैसे क्रोस फीट कहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं ये जो मेरे भी ये शायद आ रहे होंगे तीन लाइनें जब हम स्माइल करते हैं तो बन जाती है इसको हम कहते हैं क्रोस फीट ये विद टाइम बढ़ जाता है अब आप मुझे पता है कमेंट सेक्शन में पहला सवाल आना है तो पहले अपने ठीक कर लो ये सबके होते हैं भाई ये विद टाइम जो है वो बढ़ जाते हैं तो ये तीन चार लाइनें तो हर एक छोटे बच्चे की भी शायद होंगी जब वसा होगा तो ये विट टाइम जो बढ़ जाते हैं कॉलीजिन इनको रोकने में या हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में अहम रोल प्ले करता है यही वजह है कि बहुत सारी खवानी को उनके डर्माटोलॉजिस्ट उनके स्किन स्पेशलिस्ट उनके कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में कॉलीजन लिख के देते हैं बहुत सारी खातिन को लिख के भी नहीं देते वो फिर भी कॉलेजन का इस्तेमाल कर होती हैं जिसका कोई नुकसान नहीं आप कॉलेजन का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई खास नुकसान नहीं है इसका ना सिर्फ ये कि यह स्किन के लिए अच्छा है ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है बाकायदा एक रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि अगर आप 24 वीक्स तक कॉलेजन का बाकायदा इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जॉइंट पेन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी अब डिपेंड भी करता है ना कि जॉइंट का मसला है क्या अगर आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल का मसला है तो ज़ाहिर वो तो फिर सिर्फ कॉलेजन के साथ नहीं वो तो फिर फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ेगी बायदा तौर तो पर एक रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि अगर आप ट्वेंटी वीक्स तक कॉलेजन का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल ठीक नहीं होते क्योंकि ज़ाहिर डिपेंड करता है कि मसला है कि नौ तो बहुत सवेयर मसला है तो उसमें फिर फिजियोथेरेपी जो औरथों के डॉक्टर हैं उनका बहुत सारे और लोगों का बहुत रोल आ जाता है लेकिन अगर आपका कोई मायनर मसला और डॉक्टर ने कॉलेजन आपको लिख के दिया तो कॉलेजन जो है वो ट्वेंटी फोर वीक्स के अंदर अंदर अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है और आपके जॉइंट पेन में कमी आना शुरू हो जाती है आपके जॉइंट्स के लिए कॉलेजन हेल्पफुल है क्योंकि ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का मेन पार्ट है आप ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे टेंडेंस और लिगामेंट्स को लेकर है उसमें कॉलेज उनका भी रोल है अगली चीज़ ना सिर्फ ये कि हमारे नी के लिए अच्छा है ना सिर्फ ये कि हमारे जॉइंट पेन के लिए अच्छा है ना सिर्फ ये कि हमारी स्किन के लिए अच्छा है बल्कि मसल मैस और जो हमारी हड्डियां हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या विद टाइम हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है हर एक का आफ्टर फोर्टी अगर मसल लॉस हो गया है किसी वजह से या होना शुरू हो गया है तो उसमें कॉलिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मसल मैथ को बिल्ड करने में मसल मैथ को स्टेबल रखने में फोर्टी के बाद मसल मैस एज सच बिल्ड तो नहीं होता तो इस चीज में मैं माजरत करूंगी मसल बिल्ड करना मैं नहीं कहना चाहती थी मैं ये कहना चाहती थी कि मसल को स्टेबल रखने में उसको मेन्टेन करने में कॉलेजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आफ्टर फोर्टी फोर्टी से पहले अगर आप कॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप मसल मैथ बिल्ड कर सकते हैं मसल्स को लेकर क्योंकि वही बात कनेक्टिव टिश्यू वाली बात आ गई बेसिकली ये मसल्स को बिल्ड करने मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी तरह ये बोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो लोग जिन लोगों को हड्डियों का मसला ऑस्ट्रोथ्राइव आर्थराइटिस ऑस्टियोप्रोसिस के पेशेंट्स को भी अगर आप कॉलेजन का इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें बेहतरी देखी गई है ठीक नहीं हो जाता ऑस्टियोथ्राइटिस एथराइटिस तो इतना पेनफुल होता है कभी ठीक नहीं होता हाँ आप उसको मैनेज ही कर पाते हैं फिजियोथेरेपी से उसको मैनेज किया जा सकता है ट्रीटमेंट्स के साथ मैनेज किया जा सकता है और कॉलेजन के इस्तेमाल से उसकी जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो पेन है उसको कम किया जा सकता है अब एक और चीज़ अगर आप स्किन के लिए कॉलेजन इस्तेमाल करें तो उसके साथ वाइटमिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करना है ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता वाइटमिन सी एटी फाइव एम जी मिनिमम आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है आ, अगर आप कॉलेजन सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटमिन सी कॉलेजन की एब्जॉपशन को बढ़ा देते हैं अगर आप वाइटमिन सी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कॉलेजन इस्तेमाल करी जा रहे हैं तो उसके कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं आएंगे एक बाकायदा ग्यारह रिसर्च को पढ़ा गया और उन ग्यारह रिसर्च का जो कंक्लूजन था वो ये देखा गया है कि अगर आप वाइटमिन सी और कॉलेजन को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो सेवेंटी डेज़ के अंदर अंदर आपकी स्किन काफ़ी बेहतर हो जाती है अब जो लोग कंप्लेन करते हैं हम कॉलेजन इस्तेमाल करें कुछ नहीं हो रहा या तो आप उसके साथ विटामिन सी इस्तेमाल नहीं करें या आपको कॉलेजन इस्तेमाल करते हुए अभी टाइम ही नहीं हुआ दो हफ़्ते तीन हफ्ते में इसके रिजल्ट नहीं आने सेवेंटी डेज़ कम अज़ कम चाहिए होते हैं कॉलेजन के रिज़ल्ट को शुरू होने में कॉलेजन टर्नओवर रातों रात ही हो जाना आप सुबह के उठेंगे आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी आ जाएगी आपकी स्किन पे जी हाइड्रेशन हो जाएगी ऐसा नहीं होगा 70 डेज कम अज कम जो रिसर्च क्लेम करती हैं कि 70 डेज कम अज कम चाहिए होते हैं ये दो माह से ऊपर दो माह दस दिन बनते हैं तो दो माह तकरीबन आपको कम अज़ कम कम अज कम दो माह चाहिए होते हैं रिजल्ट को विजिबल करने में हार्ट हेल्थ के लिए कॉलेजन बहुत अच्छा है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आता है रिसर्च ये भी कहती हैं चूँकि वही बात कि आर्टरी की स्टिफनेस के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला है आपका लिपिड प्रोफाइल आपकी डी रेंज है किसी किस्म का कोई मसला है आप कॉलेजन का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टरीज की जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है इस चीज़ को बाकायदा रिसर्चर्स ने सपोर्ट किया है अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स या हार्ट के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका हार्ट हेल्थ बेहतर हो जाती है अब सिर्फ स्किन को लेकर इसका फायदा नहीं है इसका हार्ट को लेकर फायदा नहीं है ये नेल्स और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है तो जिन लोगों को हेयर फॉल का मसला है जिनके नाखून टूट जाते हैं उनके लिए भी कॉलेजन का इस्तेमाल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है अब अगला सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल करना कैसे और जो लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते वो क्या करें कॉलेजन का इस्तेमाल क्योंकि रात के वक्त में हमारी बॉडी में रिकवरी चल रही होती है रात के टाइम पर अगर आप कॉलेजन इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बेहतर रहता है हाँ दिन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें कोई हर्ज नहीं है आइडियल टाइम यह है कि रात को सोने से पहले क्योंकि उस टाइम पर स्किन की रिकवरी चल रही होती है अब जिन लोगों को कॉलेजन इस्तेमाल करते हैं साथ ही नोजिया या वॉमिटिंग होती है इट मीनस कि वो कॉलेजन वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें एलर्जी है जैसे कॉलेजन बनाया जाता है फिश से एग्स से हो सकता है किसी को फिश से एलर्जी हो, हो सकता है किसी को एग से एलर्जी हो तो इस केस में वो वीगन कॉलेजन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये गोश्त या जैसे फ़िश का गोश्त हो गया गोश्त या अंडे वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाते जो लोग कॉलेजन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें तो जरा आप घर में जब गोश्त बने हड्डियाँ हड्डियों को उबाल के जो बोन ब्रॉथ है हड्डियों की यखनी वो कॉलेजन का नेचुरल सोर्स है आप बोन ब्रॉथ का इस्तेमाल हफ्ते में मैं मैं समझती हूँ कि जी जो कॉलेजन अफोर्ड नहीं कर सकता वो गोश्त भी डेली बेसिस पे शायद अफोर्ड ना कर सके आपने डेली इस्तेमाल नहीं करना जब जब घर में बनाए तो आपने हड्डियाँ उबाल के उसकी यखनी पीनी है ये भी बहुत अच्छा सोर्स है कॉलेजन का अपना बहुत सारा ख्याल रखें इसके साथ अपनी हाइड्रेशन रखें वाइटमिन सी का इंटेक अच्छा रखें इंशाल्लाह आपको रिजल्ट 70 डेज़ में नजर आना शुरू हो जाएंगे शुक्रिया